चार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सिराज को तेलंगाना पुलिस विभाग का DSP बनाया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सिराज ने शुक्रवार को तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस उपाध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। हालांकि तेलंगाना पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। वहीं मोहम्मद सिराज ने भी अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि आपको बता दें, सिराज से पहले कई ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जो पुलिस महकमे में काम कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों में पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, हरभजन सिंह भी शामिल हैं। हरभजन सिंह अब राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में वो इस पद पर कार्यरत नहीं है। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर भारतीय वायुसेना यानी IAF के मानद ग्रुप कैप्टन का पद मिला है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद सिराज ने शुक्रवार को तेलंगाना के पुलिस उपाधीक्षक के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इसको लेकर तस्वीरें भी वायरल हुई। इस साल जुलाई में तेलंगाना सरकार ने क्रिकेटर के साथ साथ दो बार के विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को भी ग्रुप वन नौकरियों की घोषणा की थी। राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ पैटर्न और वेतन संरचना का युक्तिकरण अधिनियम 1984 में संशोधन किया था। बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जून में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मोहम्मद सिराज को नौकरी देने की घोषणा की। सिराज T20 वर्ल्ड कप 2024 में तेलंगाना राज्य के एकमात्र खिलाड़ी थे। इससे पहले सिराज ने पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वनडे वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के लिए अपना जलवा बिखेरा था। एशिया कप के फाइनल में सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट चटकाए थे। सिराज ने 2017 में भारत के लिए डेब्यू किया था। सिराज ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत के आखिरी टेस्ट मैच में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें T20I सीरीज के लिए आराम दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने 4 विकेट लिए थे और भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से क्लीन स्वीप किया था। सिराज और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की टेस्ट सीरीज में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में खेला जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे क्रिकेट की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें क्रिकेट केसरी।